डिमांड है इसके 2,30,000, 1,40,000 रुपये, 2,30,000 रुपये, 1,90,000 रुपये, 1,40,000। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मार्ट लॉक्स और आपका स्मार्ट लॉक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम लोग दोबारा से प्रियोन कार मार्केट आए हुए हैं, जहाँ पे शॉप का नाम है गोल्डन कार बाजार। ये शॉप आप लोग को बिंदा धर्म काटा के पास में मिल जाएगी, जो कि न्यू बस अड्डा यहाँ पे खुला हुआ है, वहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर ये शॉप है। और आज के व्लॉग में मैं आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिखाऊंगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियाँ भी होंगी, जैसे कि हैचबैक गाड़ियाँ हो गई, और काफ़ी अच्छी प्राइस में होगी। और जितने प्राइस होंगे, सबसे पहली बात तो नेगोशिएबल प्राइस होंगे, आप लोग कम करवा लीजिएगा। और बाकी आज थोड़ी सी बारिश हुई है तो यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ है, आप लोग खुद देख लीजिए, इसका कोई इशू मत करेगा। और बाकी जब आप लोग गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी पूरी क्लीन करके ही दी जाएगी और पूरी पॉलिश करके दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Namaste sir, welcome to our channel. Sir, first hello, tell us about our verse. ठीक है सर, आपका नाम? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, ठीक है सर। और शॉप का नाम गोल्डन कार बाजार है। सर ये कहाँ पे पड़ जाती है? ये बिंद्रा कोल्ड स्टोर, फैजाबाद रोड। ठीक है भैया, बिंद्रा कोल्ड स्टोर के पास में सर पड़ जाती है, बिंद्रा कोल्ड स्टोर के। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कैसे आ सकते हैं सर, कहाँ पे उतरे तो यहाँ पे आसानी से आ जाए? मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर पर नया बस अड्डा है। यस सर, है नया बस अड्डा, जहाँ आप उतरेंगे वहीं से आधा किलोमीटर आगे है बस। ठीक है, आधा किलोमीटर पे ये शॉप मिल जाएगी। ओके सर, और बाकी आज कलेक्शन कौन कौन सा दिखाने वाले हैं? आज तो काफ़ी कलेक्शन आपके वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें कि आप लोग को छोटी गाड़ियाँ भी मिल जाएगी, जैसे कि हैचबैक और सेडान भी, और इसके अलावा एसयूवीज भी यहाँ आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। हमारी पिछली वीडियोस पे हमारे व्यूवर्स भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई ओमनी दिखाइए, ओमनी दिखाइए, तो आज आपको वो भी दिखा देते हैं। आप लोग को सिल्वर कलर की मिल जाएगी, साइड में ग्राफिक्स मिल जाएंगे। सर मॉडल कौन सा है? 17 मॉडल है। 17 मॉडल, ठीक है, 2017 का मॉडल मिल जाएगा। यूपी 32 नंबर की गाड़ी आपको मिल जाएगी। सर इसके भी बम्पर्स पेंट है कि ओरिजिनल ही है? बम्पर्स पेंट, बम्पर्स इसके पेंट है। ठीक है, चली कितनी हुई है? चली है 85,000 किलोमीटर। ठीक है सर, इसमें सीएनजी एलपीजी कुछ मिल जाएगा? इसमें एलपीजी प्लस पेट्रोल। ठीक है, एलपीजी प्लस पेट्रोल आपको गाड़ी मिल जाएगी, और म्यूजिक सिस्टम भी आप लोग को मिल जाएगा। ब्लैक लेदर पर आपको इसमें सीट्स मिल जाएगी, और जितनी भी गाड़ी है ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। सर टायर कितने परसेंट? टायर अभी इसमें 50% है। 50% टायर है जी। ठीक है सर, ओनरशिप? ओनरशिप सेकंड, सेकंड ओनर है। ठीक है, डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड है इसकी 2,30,000। 2,30,000 डिमांड है। ठीक है, 2,30,000 डिमांड है, 2017 का मॉडल है। कम इसमें भी हो जाएगा, आप लोग आइएगा, ऑन टेबल बैठ के कम करवा सकते हैं। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी वैगन आर है, 2013 मॉडल है सर। 2011 मॉडल, 2011 का मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये गाड़ी जो है वो प्रेस में थे जिनकी गाड़ी है, और यूपी 32 नंबर की ये भी गाड़ी मिल जाएगी आप लोग को। सर पूरी ओरिजिनल है? पूरी ओरिजिनल है, साइड थोड़ी डिफरेंट है साइड। ठीक है, साइड टचअप है थोड़ा सा। ठीक है सर, चली कितनी हुई है? चली है 52,000, 52,000 किलोमीटर। पेट्रोल या सीएनजी या कुछ मिल जाएगा सर इसमें? एलपीजी पेट्रोल, एलपीजी पेट्रोल। ठीक है, और इसमें भी कंपनी फिटेड आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। सर पावर विंडो मिल जाएगा? पावर विंडो मिलेगा, एलेक्सा ही है। एलेक्सा ही है सर, तो दो पावर विंडो खाली। हाँ ठीक है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। चली कितनी हुई है? चली 52,000, 52,000। ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट, फर्स्ट ओनर है। ठीक है सर, टायर इसमें कितने परसेंट मिल जाएंगे? 70% आप लोग को इसमें फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और सुजुकी की गाड़ी है तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा हाई है नहीं, आप लोग को पता है 2,500 से 3,000 में इसका मेंटेनेंस हो जाता है, और माइलेज इसका लगभग आ जाता है 18 से 20 का, हाईवे पे 22 के लगभग आ जाता है। डिमांड क्या रखी गई है सर? डिमांड है इसकी 2,30,000, 2,30,000, 2011 का मॉडल जी। ठीक है, 2,30,000 इसकी डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी हुंडई की आइटन है, इसमें भी सबसे अच्छी ये बात है कि पूरी ओरिजिनल गाड़ी है ये। मॉडल सर कौन सा है? मॉडल 2015 का मॉडल। वेरिएंट सर कौन सा जाता है? स्पोर्ट, आई10 ग्रैंड स्पोर्ट।
स्पोर्ट वेरिएंट, ठीक है सर। टॉप मॉडल आप लोग को मिल जाएगा, ये टॉप मॉडल है तो फंक्शंस आप लोग खुल जानते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाएगा, ऑटो फोल्ड साइड मिरर मिल जाएगा और उसी पे आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर मिल जाएगा, आगे डिस्क आपको मिल जाएगा और टायर भी सर इस पे कितने परसेंट मिल जाएंगे? टायर इसमें 50% है, 50% टायर हैं। एलॉय व्हील्स भी आप लोग को मिल जाएगा। चली कितनी हुई है? चली है 62,000 किलोमीटर, ठीक है सर। और एसी भी वर्किंग कंडीशन में है? हर कुछ वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है सर। इस पे आप लोग को डोर हैंडल पर क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी। ओनरशिप सर क्या आ जाती है? सेकंड ओनर है, ठीक है। डिमांड क्या रखी गई है? 3,30,000 इसकी डिमांड है, ठीक है। 3,30,000 डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। टॉप वेरिएंट है और पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, जो भी लेगा काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी। तो 3,30,000 डिमांड है। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी रेनो की फ्लुएंस है। चलिए इसकी भी डिटेल आपको बता देते हैं। सर मॉडल 2013 का मॉडल है। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है सर। पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। चली कितनी हुई है सर? चलिए ऑन रिकॉर्ड ये 1,20,000 ऑन रिकॉर्ड चली हुई है, ठीक है सर। और गाड़ी जितनी भी है ओरिजिनल है आपने बताया सर। टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे? टायर अभी इसमें 60% है। 60%, ठीक है। और गाड़ी तो एकदम लग्जीरियस है क्योंकि इसके अंदर का फंक्शंस मैंने खुद भी देखा है। और अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाएंगे, डिस्प्ले आप लोग को इसमें मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, ऑटो फोल्ड साइड मिरर मिल जाएगा। सर पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल, डीजल है, ठीक है सर। डीजल पे इसका माइलेज क्या जाएगा? इसका होगा 12 से 13 के लगभग, ठीक है सर। डिमांड आपके पास क्या है? डिमांड है इसकी 4,00,000, 4,00,000 रुपये, इसमें भी कम हो जाएगा, ठीक है सर। प्राइस ऐसा बताइएगा कि ज़्यादा ना लगे और काफ़ी अच्छा प्राइस होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी अल्टो की सर कैटेन है। अल्टो कैटेन मॉडल? मॉडल है 2011। चली कितनी हुई है? चली हुई ओनली 52,000। ओनली 52,000 चली हुई है, ठीक है सर। इसके कितने पीस पेंट है? इसके साइड पेंट है, साइड्स पेंट है, ठीक है सर। ओनरशिप? ओनरशिप सेकंड है, सेकंड ओनर। पेट्रोल प्लस सीएनजी, सीएनजी भी है, अच्छा सर। डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड है इसके 1,40,000 रुपये, ठीक है। 1,40,000 डिमांड है, ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी फोर्ड की फिगो है जी, वाइट कलर पे, ये भी आपको मिल जाएगी। सर मॉडल? मॉडल है 2013 का मॉडल, ठीक है सर। इसका ये पेंट है बोनट? बोनट पेंट नहीं है, हल्का फुल्का जो स्क्रेचेस थे वो किया गया, ठीक है। टचअप है खाली, ठीक है। बम्पर्स पेंट है? बम्पर्स पेंट है। ब्लैक लेदर सीट्स आपको मिल जाएगी, इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर का आप लोग को मिल जाएगा और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। चली कितनी हुई है सर? चली है 73,000 किलोमीटर, 73,000 किलोमीटर, ठीक है। दो पावर विंडो आप लोग को मिल जाएंगे। ओनरशिप? ओनरशिप है सेकंड, सेकंड ओनर है जी, ठीक है सर। डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड है इसकी 2,30,000। 2,30,000, ठीक है, विच इज़ नेगोशिएबल प्राइस। नेक्स्ट गाड़ी सेंट्रो, सेंट्रो के भी आप लोग डिमांड करते हैं कि लो बजट पे दिखाइए। तो दो सेंट्रो अवेलेबल है, एक वाइट कलर की, एक डार्क ग्रे कलर की आप लोग को मिल जाएगी। सर मॉडल? मॉडल है 2011 का मॉडल है, ठीक है। सेंट्रो जिंग है सर? सेंट्रो जिंग है, पेट्रोल प्लस एलपीजी भी है जी, ठीक है। लाइट्स इसमें सर अभी चेंज हुई है? सब ओरिजिनल पूरी गाड़ी, इसके बम्पर भी नहीं पेंट हुए हैं। बम्पर्स भी इसके पेंट नहीं है, ठीक है। यूपी 32 नंबर की गाड़ी है। चली कितनी हुई है? चली है ऑन रिकॉर्ड 52,000 ये ऑन रिकॉर्ड चली हुई है। ओनरशिप क्या है सर? ओनरशिप सेकंड, सेकंड ओनर है। डिमांड? डिमांड है 1,90,000 रुपये, 1,90,000 2011 का मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी व्हाइट कलर की सेंट्रो है, आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाएगा सर। ये भी पूरी ओरिजिनल है? नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, बम्पर वगैरह पेंट है, बम्पर्स वगैरह पेंट है, ठीक है सर। मॉडल? 2010 का मॉडल है, ठीक है। एक मॉडल नीचे है ये 2010 सेंट्रो जिंग, ये भी है, सेंट्रो जिंग ये भी है। इसमें फंक्शंस की बात कर ले तो आप लोग को दो पावर विंडो मिलता है और सीट कवर्स भी इसमें अच्छी कंडीशन में आप लोग को मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग आएंगे तो गाड़ी सर क्लीन करके दी जाएगी पूरी, बिल्कुल रेडी करके, ठीक है। चली कितनी हुई है? चली है 62,000। 62,000 जी। ओनरशिप क्या है सर? ओनरशिप है सेकंड, सेकंड ओनर है, ठीक है। डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड है 1,40,000, 1,40,000, ठीक है सर। कितने तक की छूट हो जाती है, जैसे किसी गाड़ी पे कितने तक आ जाएगी? 1,40,000 डिमांड है। छोटी गाड़ियों में 5,000 से 8,000 का मार्जिन होता था, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन कम हो जाएगा प्राइस 1,40,000 में, कम,
ठीक, तो हमारी वीडियो की आज ये लास्ट गाड़ी थी, तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को फाइनेंस के बारे में बता देते हैं। सर आपके यहाँ फाइनेंस अवेलेबल है? फाइनेंस अवेलेबल है, ठीक है सर, मगर अपने ही जिले का बस, सिर्फ बाराबंकी के लिए, बाराबंकी जिले का बस, ठीक है, अदर फाइनेंस नहीं है। क्योंकि अदर फाइनेंस है मगर उसमें लगता है टाइम, ठीक है, अदर फाइनेंस करते हैं, ठीक है सर। कैश हमारी आपकी गाड़ी अगर 8 लाख की तय हुई तो आधा कैश, ठीक है, 50% डाउन पेमेंट जमा करना पड़ता है, जमा करेंगे, ठीक है सर, उसके बाद आपके पेपर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह कोई एग्री होता है तो हम फाइनेंस बाहर के भी कर देंगे। और यहाँ वालों के लिए सर कितने परसेंट डाउन पेमेंट है? सेम कीजिए, सेम है, ठीक है, यानी फाइनेंस अवेलेबल है, 50% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 50% फाइनेंस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग को बता दे तो आधार कार्ड लग जाएगा और बिजली का बिल लग जाएगा सर। डॉक्यूमेंट तो अब ये तो कंपनी जो महिंद्रा है या राम जो फाइनेंस करती हैं वो तो उनके ऊपर है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स खुद भी बता देते हैं। कौन कौन से चाहिए, कौन कंपनी प्रॉपर्टी के लेते हैं, कोई खटौनी लेते हैं, यस सर, वो तो अपने ऊपर है किस तरह वो उसको डील करते हैं, ठीक है। फाइनेंसर यहाँ आता है, वो खुद बताता है हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके, तो वो खुद डॉक्यूमेंट बताएगा और पूरा फाइनेंस हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना, ठीक है सर। ट्रांसफ़र करवाए कितने रुपये लग जाएंगे? ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ तो कम लगते हैं ट्रांसफ़र, मगर यहाँ से हम लोग 3500 रुपये लेते हैं, 3500 रुपये ट्रांसफ़र के और नंबर प्लेट के हम लोग 3500 रुपये लेते हैं, ठीक है सर। वो यहाँ का हो, गोंडा हो, बहराइच हो, रावस्ती हो, फैजाबाद हो, कहीं का हो, एनओसी आप प्रोवाइड कराएंगे तब भी 3500 रुपये लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। एनओसी भी किसी भी जिले की निकल जाएगी सर, 100%। ओके गाइज, तो आप लोग को पूरी डिटेल दे चुके हैं, तो वीडियो को एंड करते हैं। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्री ओन्ड कार्स का हो, चाहे प्री ओन्ड बाइक्स का हो, चाहे प्री ओन्ड कमर्शियल व्हीकल का हो। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है, उसको भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छा कलेक्शन लाते रहेंगे और आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।